अस्सलाम वालेकुम गाइस। हर इलाके के रहन सहन का तरीका दूसरे इलाकों से डिफरेंट होता है और इसी तरह से वहाँ की फूड भी थोड़ी डिफरेंट हो सकती है। डेजर्ट में कुछ ऐसी चीज़ें भी प्रोड्यूस होती हैं जो कि आपको मुल्क के दूसरे हिस्सों में नहीं मिलेंगी, जैसा कि आज एक आपको रेसिपी दिखा रहे हैं। इसको बगूसी कहते हैं। ये बेसिकली एक पौधा होता है, उसके फूल होते हैं जिनको ड्राई करके रख लिया जाता है। ये वो रेसिपी है जी जो एक वीडियो में अम्मा ने भी डिस्कस की थी। हाँ जी, तो ये बारिश के दिनों में आजकल क्योंकि रेनी सीज़न है तो उसमें ये फेवरेट है। ये इस तरह की हो जाती है बॉयल करने के बाद, और इसमें फिर चिकन या कोई भी आप मीट वगैरह डाल सकते हैं। देखें जब ड्राई होती है तो ये इस तरह की होती है। ये देखें, ये इसको साफ़ करके झाड़ के रखा हुआ होता है और उसके बाद ये पूरा साल फिर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये लियांदी कितों उत्थों चोलिस्तान से सारी जी हाँ। कदों लगती कदों है? तकरीबन राय दी कटाई होनी है, यानी मार्च अप्रैल जी। ख़राब तो नहीं होती भाई? नहीं ख़राब नहीं, 5 साल रख दो। तो गैस इस तरह से देखें, जब ये पानी खुश्क हो जाता है, ये देखें पानी इसका ड्राई हो गया सारा, ये उबल गई है। तो अभी इसको नेक्स्ट का प्रोसेस करते हैं, ये आपको दिखाते हैं। इस तरह से ये गैस ये एरिया चोलिस्तान के एज पे है और अभी ये एरिया बाद होना शुरू हो गया, और यहाँ से काफ़ी दूर हट के वहाँ पे रोड है जो डीप डेजर्ट की तरफ जा रहा है। देखिए ये काफ़ी पुराने दौर के बने हुए और वही ट्रेडिशनल स्टाइल। ये देखें, ये सारे कुकिंग वेयर जो है ना इसी तरह से ये रखते हैं। जेड़ा भी हो
अम्मा जी खड़े होवो तुहानू हवा देगे। कैसे अम्मा जी पसीना सुकया है? हवा ठीक सी अभी? जी। ठंडी सी? जी। जाना है दिन आलू ते बैठावा दिन? नहीं। हाँ। बर्तन धो के उसके पीछे ये इस तरह से ये मिट्टी लगाई जाती है, क्योंकि ये वुड फायर है ना, तो वो देखें नीचे से वो काली हो रही है देख की, तो जब ये धोते हैं ये ऊपर से उतर जाती है तो सेफ रहती है, यानी ये इसी तरह से रहती है, इसका कलर ख़राब नहीं होता। ए, एक ही घर है भाजी या होर भी किन्ने ने? दो घर, दो ब्राह्मण। हाँ। अच्छा, हस पा यार थोड़ा बेटा। अच्छा, इस तरह से इन्होंने केबन बनाया है, एक किचन की स्पाइसेस वगैरह स्टोर करते हैं। ये रोटियां फिर ये बिच लांदे हो? एक ही दूध पाया? लस्सी? हां। ये की फायदा होता? लस्सी कौन लगा? अच्छा, भाई थे बैठे रहंदे दोपहर नु? ओ सब बनांदा था जी, और ना सोते बना खड़े गोपा। हां हां, ओ बनाएं से बनाना है हुन? ओ बना ते हुन पांच सेट हो गया तो लकड़ी। अच्छा, छोड़ दिता? हाँ। क्यों? एक बना लो, जगह तो है तो आड़े को। हाँ, हे वालो मच्छर आने ने बच्चे बढ़ देने वाले सब खाने रहते हैं। हाँ, मच्छर आने ने। हाँ, मच्छर आने तो बढ़। गाइस, ये तारक भाई हैं, ये आपने मेरी एक वीडियो देखी होगी, एक बड़ा खूबसूरत फार्म हाउस बना हुआ है चोलस्तान के मिड में, तो उसका इधर साइड पर आई बटन भी आ रहा होगा, तो ये वहाँ पर कुक है, वहाँ पर लोग जो भी आते हैं मेहमान नवाजी उनकी की जाती है, वो मेरी वीडियो देख लीजिएगा, उसमें आपको डिटेल पूरी मिल जाएगी। और ये जो है ना, ये घर के तारक भाई का, ये भी चोलिस्तान के एज पे ही है, पूरे 2000 यानी 22 साल हो गए। तो भाई ये देखें, ये वो रेसिपी है जी जो एक वीडियो में अम्मा ने भी डिस्कस की थी और आपको दिखाया था, उन्होंने धूप में रखा हुआ था उसको सुखाने के लिए, फिर उसके फूल अलग होते हैं, तो ये इसमें चिकन है और खुशबू जो है ना वो आप सोच भी नहीं सकते जी इस वक्त है इसकी। तो गाइस अभी इसको करते हैं टेस्ट। ये देखें जी, इधर से बड़ी ज़बरदस्त हवा आ रही है और ये इनका रूम है जी,
यहाँ पे हम इसको टेस्ट करेंगे। ये बाहर का एनवायरनमेंट में आपको दिखा दूँ, कहीं पे बारिश हो रही है कहीं पे नहीं। ओवरऑल जो है ना अभी मौसम बड़ा ठंडा हो गया। ये ज़्यादा लुक जो है वो जैसे सुहाजना जिसे मोरिंगा कहते हैं उसके फूल बनते हैं, सेम लुक उसी तरह की है। ये बाजी ने अभी उसी चूल्हे पे कुकिंग की है और फिर दोबारा जब वो गर्म हो गया उसी में रोटी लगाई है। यह लाजवाब है तारक भाई, मज़ा आ गया। अच्छा जी, इतनी पुरानी थी ये वाली पड़ी हुई? दो साल की जी। तो भाई ये 2 साल पुरानी पड़ी हुई थी, ये कह रहे 10 साल भी आप रख लो ये ख़राब नहीं होती। जो रोई में लोग रहते हैं देखें जी, उन्होंने उनके लिए क्या क्या फूड अल्लाह ताला ने बनाई है। ये गाय जिन्होंने ये बकरी रखी हुई और इसी के दूध की जो है ना आज फर्स्ट टाइम मैं चाय पी रहा हूँ बकरी के दूध की। चलें जी छोड़ दें आप इसको। माशाल्लाह जी ये तकरीबन 1.25 किलो तो होगा है ना, 3 पाव। चलो जी ये बकरी से देखें, इन्होंने कम से कम इनकी चाय पूरी हो जाती है 2-3 बंदों की। तो ये सराउंडिंग देखें आप जी, चाय के अंदर ना सौंफ भी डाली जाती है उससे इसकी खुशबू हो जाती है। सौंफ है खुद बीज देंगे या मोल लेंगे? मोल लेंगे। ठीक, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਜੀ ਹੁਣ ਕੁਛ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅੱਛਾ ਸਹੀ ਹੈ। ये गाइस बकरी के दूध की चाय आज फर्स्ट टाइम ये भी टेस्ट करूँगा, मैंने आज तक वैसे नहीं पी थी ये पहले। ये खजूर देने पत्ते वाले? हाँ जी खजूर के पत्ते सारे सुखाना पौने वो जो पड़े। ये देखें ये खजूर के पत्ते और इनको काम में लाया जाता है। ये देखें ये अम्मा जी जो है ना ये इसका ये बना रही है। ये अम्मा जी है कि चीज़ है कदे काम आएगा? नमाज पढ़ने के लिए एक शीट होती है। ये देखें इस तरह से ये करके और फिर इनको जोड़ के ये एक पूरा बना लेंगे। और ये जो है ये बारीक पट्टी है और ये जो चारपाई ये देखें ये वाली ये इसी की बनाई हुई है। यानी हर चीज जो है ना वो होम मेड होती है, घर में तैयार होती है। इस पर मेहनत देखें कितनी हुई है। नहीं वो गल नहीं हैगी लेकिन ऐ तुसी देखो ना तुसी मेहनत कितनी कर रहे हो। ये मैं एक दिन में कितना इतना की बनता है ना 2-3 फुट बस को साहब आदि कितने कितना बन जाता है? एक बना कितने एक इदा दा दो पल्ले एक दिन बड़ी हिम्मत है। ते उंगलियां जो दर्द नहीं होती एवे कर कर के ये और मात्रा बना लीजिए। तो गाइस ये देखें ये काफ़ी लेंथी है, ये देखें कितनी लेंथ है इसकी। और अम्मा जी कह रहे हैं कि 8 दिन में 2-3 मैं इस तरह की ये बना लेती हूँ। और इस तरह की ये कह रहे हैं कि पूरी चटाई एक, यानी समझ लें ये एक चटाई का सामान है, तो ये 3-4 दिनों के अंदर ये बना लेती हैं। इसके अलावा ये देखें ये इस तरह से ये बनाते हैं और इस पर अच्छी खासी मेहनत होती है। ये एक एक कपड़े का ऐसे पैच काट के और फिर नीडल वर्क होता है, यानी हाथ से होता है सारा। इसके अलावा ये देखें ये पंखा, क्या बात है। अम्मा जी कितने दिनों से बनाया? महीना भी लग जाता है। काम बहुत
काम मुश्किल है, इन्ना आसान नहीं है। क्या प्यारी हवा है गाइस इधर। ये नलका है जी, यहाँ पे काफ़ी लोग इधर उधर घरों वाले पानी भर के लेके जाते हैं। ये कह रहे हैं कि यहाँ के काफ़ी सारे बोर करवाएं लेकिन इसका पानी अच्छा निकला है। और बह के खाला बैठा था। एलर्ज की पाया पंचरा समान है। पंचरा का ये ना रख दियो हर वेले, जिथे पंचर होया ओदे कोल है। सही बोल रहा है, सही है। टायर ही लोहे दे पवा ले बाहर हो लोहे दे पवा रहे हो पंचर ना दियो टायर अंग तो जान छोड़ दो। हां ओ जा।